आना और मकामी पासवान है, मैं चाहता हूं कि ये आएंगे जो कि इस्लामाबाद फिलाडेल्फिया चर्च ऑफ पेंटेकोस्टल G81 के रहने वाले हैं। ये आएंगे, इजहार ख्याल करेंगे चंद लम्हा और इसके साथ ही कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करेंगे। सजावल एक रियल क्रिश्चियन जैनवन मसीही, मसीह खुदावन पर ईमान रखने वाला नौजवान, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया और खुदा ने बहुत थोड़े वक्त में सारी दुनिया में सजावल को मुतारफ किया है। ये खुदा का खास फजल उस पर था। इसके साथ साथ सजावल के रूहानी जिंदगी के बारे में मैं खुदा का शुक्र करता हूं। वो खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा ही पक्का शागिर्द था और उसकी शख्सियत के अंदर ट्रू क्रिश्चियन स्पिरिट मौजूद थी और आज वो इस धरती से कूच करके आसमान पर यीशु मसीह के पास पहुंच चुका है। इस धरती पर जितने भी ईमानदार हैं उनमें एक ईमानदार की कमी हो गई है। चर्च के अंदर वो जनरल सेक्रेटरी के फराइज भी अंजाम दे रहा था और हर साल हम बैठकर पूरे साल का प्रोग्राम बनाते हैं चर्च के वाले से, क्वायर लीडर्स, फिर इस तरह चर्च एक्टिविटीज में दोनों मियां बीवी, उनका किरदार, उनका काम ये नकाबले फरामोश है। मेरे बच्चों जैसा वो इतना ज्यादा ताबेदार आज तक मैंने कोई नौजवान नहीं देखा। जब चर्च मीटिंग खत्म होती जो आज भी याद है, वो जबरदस्ती मेरा बैग पकड़ता, जब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठता था खड़ा ही रहता और मुझे उसकी उसका हलीम पन, उसकी ताबेदारी, और मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर दुआ करता, उसे बरकत देता। आज वो हमें नहीं है, उनकी कमी महसूस की जाएगी हर वक्त। महबूब किल जो के खुदा के बड़े अच्छे परस्कार हैं, हम इन्हें वेलकम करते हैं कि ये आए और प्रस्तुति में रहनुमाई करें। हम इनके साथ मिलकर प्रस्तुति करेंगे। भूला नहीं मैं तेरी शफ़क़त, भूला नहीं मैं प्यार तेरा, भूला नहीं मैं तेरी शफ़क़त, भूला नहीं मैं प्यार तेरा, तेरी बात बैठ के सुनना अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, तेरी बात बैठ के सुनना अच्छा लगता था।
कितना या कोई जन देख के अपने लोगों की अब हमको हमेशा कहती थी आप पास्टर बने आप पास्टर बने। वो कहते हैं ठीक है जैसे ही मैं सियालकोट जाऊंगा तो मैं ठीक होता हूं तो हम बहुत बड़ी शुक्रगुजारी करेंगे और मैं पास्टर मखसूस हो जाऊंगा। लेकिन मौका नहीं मिला, आते ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और वो सारा प्रोसीजर। लेकिन हमारा एक ही था कि हमने खुदा का आदम बनना है। तो मैं उनको हमेशा ये कहती थी, मैं कहती थी मुझे नहीं ऐसा पास्टर चाहिए जो इंसानों की मानत हो, मुझे ऐसा पास्टर चाहिए जो यीशु की मानत हो, क्योंकि यीशु हमारा नमूना है। इंसान को फॉलो करके हम इंसान जैसे काम करेंगे, लेकिन यीशु को फॉलो करके हम यीशु जैसे काम करेंगे। यीशु ने कहा कि मैं नमूना बन के आया हूँ। यीशु नमूना है, हमें यीशु को फॉलो करना है। जिस दिन उन्होंने वेंटिलेटर पे जाना था तो उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनकी चेस्ट ब्लॉक हो चुकी है, एक साइड से साउंड नहीं आ रहा, शायद फालज का अटैक हो गया, फौरन से इन्हें लेके जाए एक्सरे करवाए। मैं फोन सुनते हुए जा रही थी, बच्चों ने स्ट्रेचर को पकड़ा हुआ था आगे आगे और मैं उनके पाँव की तरफ जा रही थी। यकीन जाने ये नहीं कि बड़े बोल बोल रही हूँ, मैं एक ईमानदार शोहर की ईमानदार बीवी हूँ और जो मांगा था खुदा ने वक्त मुकर्रर पर हमें वो अता किया। जब जा रहे थे तो अचानक मैंने इनके मुंह की तरफ देखा तो वो मुझे यीशु की मानत लगे, वो मुझे यीशु की मानत लगे। खुदा ने वो दुआ जो हम हमेशा से करते आ रहे थे उसको कबूल किया और इनकी शक्ल बदल के यीशु की मानत हो गई। और वो मुझे ऐसे लगा कि आज वो शक्ल है जब यीशु को सूली चढ़ाया गया था। और ऐसा हुआ कि वो दिन गुजरा और अगली सुबह 5 बजे ही इनको दिल का अटैक हो गया। और जब दिल का अटैक हुआ उसके बाद ये बोल नहीं रहे थे और उन्होंने कहा वेंट का अरेंज करें, इनको वेंट पे डालना है। और मेरे दिल में एक ही बात आई कि कल यीशु की मानत, मैंने इनको सूली पर चढ़ते हुए देखा था, आज यीशु कब्र में चला गया है और यकीनन यीशु 3 दिन के बाद जिंदा होगा। हमारा भंडारा यही है कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा था और यीशु जिंदा रहेगा। जब मैंने इनको यीशु की मानत मांगा था और पाया है तो मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि यीशु मर गया। अगर यीशु मरता है तो हम जिंदगी नहीं पा सकते। मैं खुदावंत की शुक्रगुजारी करती हूँ कि सजावल जिंदा थे, जिंदा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहे। और चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी जिंदगी में सिर्फ जिस्मानी शोहर ना मांगे बल्कि रूहानी शोहर मांगे, यकीनन आप तसल्ली पाएंगे और हम तसल्ली पा चुके। बहुत शुक्रिया। सीनियर पास्टर मर्दे खुदा अजीम खादम पास्टर शकील जुवेद आर्थर को मैं दावत देता हूं कि वो आए और खुदा के कलाम की खिदमत पेश करें। खुदा के प्यारे बेटे मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबों को सलाम। सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे बेटे सजावल से भरपूर मोहब्बत की और मोहब्बत का इजहार किया। बहुत सारे लोगों की मोहब्बत उनकी जबान पर ही रह जाती है, लेकिन इस्लामाबाद के लोगों ने और बहुत सारे दूर दराज के लोगों ने ये जाहिर किया कि ये सिर्फ लफ्जी मोहब्बत नहीं
बल्कि बेटे को दिल से मोहब्बत करते थे। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, बहुत सारे खुदा के यहाँ पर इस्तार, बहुत सारे आदमोदीन पास्टर मुबशर यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन सबको शुक्रगुजारी के साथ मैं कलाम सुनाने से पहले बेटे सजावल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि मेरे मुंह के अंदर कभी भी खुदा ने मायूसी के और अफसोस के लफ्ज नहीं डाल दिया। यीशु मसीह में खुदा ने हमें वो उम्मीद बख्शी हुई है जो अफसोस को हमेशा के लिए परे कर देती है। हालेलुया। और मैं आज जो खुदा की बातें करने को हूं, मैं इसलिए करने को हूं क्योंकि मैं खुदा के कलाम पर पूरा ईमान ला चुका हूं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की। चंद लम्हे सिर्फ हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। मेरा ईमान है कि हम आंखों में आंसू देते हैं लेकिन खुदा का कलाम आंखों से आंसू सुखा देता है। हालेलुया। मुकद्दस यूहन्ना का आप अपना काम करें, ईमानदार यहां रहे ऊपर रहे, उसकी हालत एक ही है, वो उसकी हालत नहीं बदलती। उन्होंने वेंटिलेटर पर दोबारा उसको 10 मिनट पे 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा डेड हो जाता है। खुदावंद का शुक्र है कि सांसें फिर चल रही। हालेलुया। फिर मामू के मुंह से बार-बार बात निकल रही थी गुड़िया के, ये कहता था मैंने पास्टर बनना है। मैंने कहा शायद इसी मकसद के लिए ये बुला रहे। मैंने खुदा की हजूरी में झुक कर दुआ की झुक कर, और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने इजाजत दी और जाकर एज ए पास्टर मखसूस किया। उसके बाद इसका काम पूरा हो गया। कहता है लंबी उम्र छोटी उम्र, लंबी उम्र क्या होती है छोटी उम्र क्या होती है? आपको क्या लगता है ये सुहादी उम्र में मर गया जिसने 33 साल यूहन्ना आदि उम्र में मर गया? लंबी उम्र या बड़ी उम्र कुछ नहीं होता, पूरी उम्र की बात करें। और पूरी उम्र तब होती है जब खुदा के लोगों का काम यहाँ कंप्लीट हो जाता है, खुदा ऊपर बुला लेते हैं। उसकी कोई भी उम्र हो, खुदावंद का शुक्र है कि इसको लंबी उम्र यीशु को पाकर भी हम लंबी उम्र मांगते हैं। यीशु ही तो लंबी उम्र का नाम है, यीशु ही तो अपनी उम्र का नाम है। ये अबदियत में दाहन हो चुका है और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, कोई दुश्मन इसको अबदियत से बाहर नहीं कर सकता। सारे हालेलुया कहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जमीन पर इसने बहुत सारे मुल्कों में सरफराजी पाई होगी इसका नाम, लेकिन यीशु में आया तो इतना सर बुलंद किया गया है कि कनाडा जाने वाला भी, अमेरिका जाने वाला भी उतना सर बुलंद नहीं हो। ये तो डायरेक्ट तीसरे आसमान पर नहीं, आलम पाल में बारह पर पहुंचा। हालेलुया हालेलुया। पास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात है, जो यीशु की बातों पर यकीन कर लेते हैं ना, यीशु ने साफ मार्था से कहा, यीशु बात ही ऐसी करता था लोग झुक जाते थे, सारे आके कहते हैं सारे ही मर जाना है। यहूदी भी आकर उसको तसल्ली दे रहे थे, वो तसल्ली नहीं पा रहे, सारे मर जाना है। हूं जिदा आगे अब्बा मरिया है तो उन्होंने कह सारे मर जाना, वो तो मल वेरे भी रोएगी। ऐसा होता है कि नहीं? लै के वो मेरा भरा मर गया, हूं मेरी भैन भी जानी रहनी है। यीशु ने आकर ऐसी तसल्ली दी। यीशु वखरा है, यीशु आया, यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठे। हालेलुया। तो कहें 4000 साल हो गए थे दुनिया को बने हुए, कभी किसी की जरूरत नहीं हुई ये ऐसी बात है। और मार्था आगे से जरा त्वजा के साथ सुने, मार्था आगे से कहती है मैं जानती हूँ क्यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। क्यों कहा मार्था ने? मार्था ईमानदार नहीं थी, बात त्वजा के साथ सुन ले, मार्था ईमानदार नहीं थी। हाँ यीशु से प्यार करती थी, यीशु को खाने बनाती थी। खाने बनाने से तो ईमान पैदा नहीं होता, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। जब यीशु ने अच्छा आखिरी दिन, अगर तेरा यही मान है कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा तो सुन मार्था, फिर क़यामत भी मैं हूँ और जिंदगी भी मैं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और आगे यीशु ने कहा सुन, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा है, जो जिंदा है और मौत को अब तक नहीं देखे वो
ये सजावट देख सकते मौत ने बांध लिया था, डांगे काट लिया था। अभी भी हम डरते हैं, फोड़ा निकले मर जाने। खुदावंत की शुक्र गुजारी है, पांच प्रेत हुए हैं, दस भी हो जाते हैं, ये मर नहीं सकता था क्योंकि इसके अंदर खुदा की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। इसको कोई भी कब्रिस्तान में ढूंढने ना जाए, क्योंकि पौलुस रसूल ने कुलसियों 3:3 में लिखा, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ, किसके साथ? किसके साथ? खुदा में पोशीदा। हालेलुया, किसमें पोशीदा है? किस किस का ईमान है? यीशु आने वाला है। और आगे पौलुस ने कहा कि मसीह जो हमारी जिंदगी है। यहूदा का शेरे बबर जिसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो कबर। आइए ईमान के साथ ताली बजाकर बंद कर लेंगे। हालेलुया, पूरी दुनिया के अंदर माने जाने पहचाने जाते हैं, तो आज इसी तरह सजावल भी जो है वो मसीही कौम यानी पाकिस्तान की मसीही कौम का एक सूरमा था, वो पाकिस्तान का हीरो था।
जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया में भारत के ममालिक के अंदर भी ऑनलाइन लेसन देता रहा, इसके शागिर्द हैं मेरे अजीज। चंद सालों के अंदर खुदा ने इससे बहुत बड़ा मकाम बख्श दिया। ये छोटी बात नहीं है, ये हमारा सरमाया था जिसको हमने वेस्ट कर दिया। ये मसीह कौम का फकर था, ये हमारे चर्च का है पिलर का जो आज गिर गया है, जिसने हमें गिरा दिया है। इसकी खराब कोई पूरी नहीं कर सकता। आप अपने हीरो को सलाम पेश करें। मैं दिल से अपने बेटे को सलाम पेश करता हूं, क्योंकि जब भी हम चर्च में होते हैं, प्रोसेस करते हैं, मैं मीटिंग करता हूं, तो आज भी आरू यहां खड़ी थी तो मुझे वो भक्ति याद आ रहा था। वो हमारे दरमियान खड़ी हो जाती है। अच्छा, वो हारमोनियम पर पलटा लगाता है तो मेरी तरफ मुस्कुराता है और मैं आंखों से उसको शाबाश देता हूं, क्योंकि वो उसकी तरह का कोई तबला, कोई हारमोनियम हमारे चर्च में नहीं बजा सकता। मैं उससे बहुत खुश होता था, लेकिन आज उसने हमारी उम्मीदें तोड़ दी। हम दुआ गो हैं जिस मकसद के लिए सुने आपको मुकर्रर किया खुदा, यकीनन पता से बढ़कर गल बात है। ये पास्टर शौकत साहब कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम इस बेटे के लिए दुआ करें। खुदा कादर मुतलिक, खुदा वही ट्रू क्रिश्चियन स्पिरिट जो सजावल में थी, खुदा मैं तेरा कादर मुतलिक, खुदा बहुतों के लिए बरकत का सबब है। तेरा खादम होते हुए इसके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। मैं खुदा का खादिम होते हुए मुझे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बरकत देता हूँ, ताकि तू इस बड़ी खिदमत को जो अंजाम देने को है, खुदावंद यीशु के नाम में तू भरे और अपने साथियों के लिए और सारे मसीहियों के लिए बरकत का सबब है, यीशु के नाम से। करा
अभी पतरस जान आज शुरू करें। आइए हम मिलकर ज़बूर 16 गाएंगे। खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली।